सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड यू आर वॉचिंग जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी श्रीखंड की रेसिपी। ये एक इंडियन डिज़र्ट है और इसे पूड़ियों के साथ खाया जाता है। बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है और ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने लिया हुआ है दही 500 ग्राम, जिससे कि मैंने पूरी रात पोटली में बांध करके रख दिया है। आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए पोटली में बांध के। देन ये 100 ग्राम बच जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने हंकड़ ले लिया है 100 ग्राम जो बच गया था मेरा। अभी चीनी लिया हुआ है, पीसी हुई चीनी। देन मैंने लिया हुआ है इलायची पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स के बाद हम लेंगे केसर का पानी। अभी जो हंकर्ड है गाढ़ा दही, उसमें हम पीसी हुई चीनी डालेंगे करीब करीब 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून। आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा टेस्ट कर लीजिए और इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। देन 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, इससे मैंने काफ़ी महीन पीसा हुआ है, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, अपने पसंद के कोई से भी लीजिए, काजू, पिस्ता, बादाम। आधा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। देन 1 टेबल स्पून केसर का पानी हम इसमें डालेंगे। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाए। देखिए, करीब करीब 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंट लीजिए, ऐसा क्रीमी टेक्सचर आ जाना चाहिए इसका। दोस्तों, स्पेशली समर में खाया जाता है, खाने के साथ एज अ स्वीट डिश से हम यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है और ये मेरी डिश बनके रेडी हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।